हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल है। आज हम टैक्स पे बात नहीं करने वाले हैं, जो कि हमारा एजेंडा टैक्स एंड वेल्थ है। तो आज हम वेल्थ की बात करने वाले हैं। वेल्थ की बात ऐसे करने वाले हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, जब आप टैक्स प्लानिंग के लिए सोचते हैं, उस समय कैसे आपको सोचना चाहिए और किस तरह का प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करें, हम स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं कि जो हमारा एजेंडा है कि हम आपको एक वेल्दी इंडिया की जो कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, उसी के तहत हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जब आप 150,000 रुपये ETC में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखने की चाहिए। तो आज हम दो सेगमेंट कवर करने वाले हैं कि अगर आप 150,000 तक इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको किस तरह से सोचना चाहिए और क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, और अगर अप टू 5 लाख यानी कि 3.5 लाख और एक्स्ट्रा अगर आप लगाने की सोच रहे हैं, उस केस में आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए और किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखेंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं और अपने पैसे को, जो हो सकता है कि आप आज जो हमें स्ट्रैटेजी बात कर रहा हूँ आप ऑलरेडी कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन एक हमने अपने जो पिछले कुछ दिनों का जो हमारा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जो लोगों की इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, उस पैटर्न में कैसे हम मॉडिफाई करके आपको उस रिटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत टाइम बर्बाद ना करते, हम टू द पॉइंट बात करते हैं। पहली चीज की इनकम टैक्स जो भी रिटर्न फाइल करता है उसके लिए 150,000 तो इन्वेस्ट करना ही करना है। तो हर कोई जनरली देखा गया है कि टैक्स प्लानिंग के लिए 150,000 इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम एक ऐप चलाते हैं, उस ऐप में हमने देखा कि लगभग 90% लोगों का जो पोर्टफोलियो था 150,000 में वो था PPF, LIC, FD और NSC। मेजर कंट्रीब्यूशन LIC का था। कहने का मतलब, मैं LIC को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो से, जो आप करंट में है, उसको आप बहुत अपग्रेड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे ROI की उम्मीद कर सकते हैं। यानी ROI का मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम बात करते हैं कि आप जो 150,000 जब इन्वेस्ट करें तो केवल ये ना सोचे कि टैक्स प्लानिंग करनी है, आप ये सोचे कि कैसे उसे वेल्थ क्रिएट करना है और साथ के साथ टैक्स प्लानिंग भी करनी है, तब ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। देखिए, PPF तो एक बहुत ही, जो अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमने एक स्ट्रैटेजी लिख रखी है कि अगर आप 150,000 लगा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, उसके लॉजिक भी हम बात करने वाले हैं। पहली चीज, PPF एक बहुत कॉमन कंट्रीब्यूशन है जो जनरली देखा गया, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी करता है। तो हम मान के चलते हैं कि PPF तो आपको करना ही करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको जरूर करना चाहिए। अभी हम एक चीज इसमें बता दें कि हमने 3 कैटेगरी रखा हुआ है, 20 से 40, 40 से 60 और 60 प्लस, यानी कि एज को भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए। PPF तक इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने यूज किया वर्ड टर्म प्लान, यहां पे हमने यूज किया था LIC। देखिए, LIC के बारे में या इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में सबको पता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, क्या रिटर्न आता है क्या नहीं आता है मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप LIC को या जो भी आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस वर्ड ही लिखूं मैं, जो भी आपका इंश्योरेंस है उसको आप टर्म प्लान से रिप्लेस करिए। क्यों रिप्लेस करिए? अगर आप 1,00,000 रुपये LIC को देते हैं या इंश्योरेंस में देते हैं, अगर आपकी एज 20 से 30 के बीच में है तो आप 1 करोड़ का सम इश्योर 10 से 12 हज़ार रुपये मिल सकता है। ठीक है, टर्म प्लान में जो भी पैसा लगाते हैं वो जीरो हो जाता है, जनरली 100% केसेस में नहीं होता, पहली चीज क्लियर कर दूं, जीरो हो गया। लेकिन आपके पास अगर आप 1 पे यहां लगाया था तो 90,000 आपके पास यहां पे एक्स्ट्रा बच रहा है। आप उस पैसे को ELS, ULIP इसमें लगाएं। ELS क्या है? ELS एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ULIP भी एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, मैं एकदम इसको मैं Category 1 कह रहा हूं, इसको Number 2 कह रहा हूं, कि अगर आप ELS का भी पोर्टफोलियो रखें और ULIP का भी रखें अगर आपको लगता है, तब अदरवाइज आप ELS पे फोकस रहें। आपने क्या किया कि कुछ डाइवर्सिफाई PPF में कर दिया, रिस्क के लिए आपने टर्म प्लान ले लिया और जो बचा हुआ अमाउंट है वो
म्यूचुअल फंड, एक टाइप ऑफ ईएलएस का म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया, यहां पे आप बुरे से बुरे हालत में भी 12% का आरओआई पा ही लेंगे। अगर लॉन्ग रन की हम बात करें, यहां पे कहीं नहीं आने वाला था, यानी कि जो आपने 90,000 रुपए बचाए 1,00,000 रुपए में, वो आप यहां पे और यहां पे इन्वेस्ट करें, यहां पे भी 9% के आसपास आ ही जाता है, यहां भी कोई बुरा नहीं है। यानी कि अगर आपने उसी पैसे को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और उसको डाइवर्सिफाई किया अपने फंड को, आपका जो रिटर्न यहां पे हो सकता था 5% का था, एवरेज में बात कर रहा हूं, 5% से ज्यादा नहीं है अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं, ठीक है, एनएससी पे, एफडी पे अलग अलग है, लेकिन ये भी आपका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है जो आपके रिटर्न की ऐसी की तैसी कर देता है। कहने का मतलब यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि ये पोर्टफोलियो अगर आप खड़ा करते हैं तो लॉन्ग रन में जो आपका रिटर्न होगा वो काफी अच्छा होगा। 1.5 लाख तक, मैं ये केवल बात कर रहा हूं कि अगर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करें तब ये स्ट्रैटेजी है, 1.5 लाख के बाद मेरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं 1.5 लाख पे जब भी बात कर रहा हूं मैं टैक्स सेविंग को पहले ध्यान में रख रहा हूं और इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से पिक कर रहा हूं। 1.5 लाख के लिए हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरी टोटल, इसके आगे की हम अलग वीडियो में बात करेंगे, अब हम बात करें 5 लाख तक, यानी कि 1,50,000 तो जिसने भी लगाया वो टैक्स सेविंग के लिए चला गया, अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है 3,50,000 5 लाख में, ठीक है। अब हम 3,50,000 की बात करें जिसपे मैं कोई टैक्स का कोई बर्डन नहीं है आपके पास, अब आपको स्ट्रैटेजी ये अपनानी है कि अच्छा आरओआई आ जाए, ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, क्या कहां पैसा लगाना चाहिए। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जो एज कैटेगरी हमने क्यों रखा, अगर आप 40 प्लस हैं तो आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना वो 60-40, यानी कि आप 40 रिस्क लें 60 सेफर जाए, आप अपोजिट भी कर सकते हैं, ये आपके माइंडसेट पे है। लेकिन जो 60 प्लस है उसके लिए तो मैं कहूंगा कि पीपीएफ और एफडी उस तरह की चीजों में जाए, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप ईएलएस में चले जाइए, अदरवाइज आप अपने पैसे को ऐसे जगह पार्क करें जहां पे आसानी से आपको कोई रिटर्न आए, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उस जो भी लोग 60 प्लस उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, अदरवाइज अगर आप 1-to-1 बात करते तो उस केस के सिनेरियो अलग हो जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 5 लाख पे, कि जब मेरी सेविंग की जो स्ट्रैटेजी थी 5 लाख थी, अब मेरे पास 3.5 लाख रुपए बचे हैं, 3.5 लाख की जो यूटिलाइजेशन करें ना, आप पहले तो म्यूचुअल फंड में करें, एसआईपी शुरू करें, एसआईपी के साथ साथ लमसम में भी डालें और एसआईपी में भी डालें। लमसम कैसे डालें, जैसे अभी हमारा मार्केट बहुत नीचे है यानी कि टूटा पड़ा है, ये बहुत ही आइडियल टाइम होता है एंटर करने के लिए, तो आप इस तरह के टाइम में मार्केट में इंटर करते हैं तो लमसम में जाना कोई बुराई नहीं है, लमसम कभी अप टाइम में ना जाए, हमेशा लो टाइम में जाए। एसआईपी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसआईपी क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजिकली जाता है, हर महीने जाता रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अप एंड डाउन, वो कुछ टाइम के बाद वो बाय डिफॉल्ट एवरेज हो जाता है। तो पहली चीज, जब आपके पास एक्स्ट्रा 3,50,000 है, अब मैं बात करता हूं कि आपका एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। अगर आप पहले कैटेगरी में है तो आप 60-70% पैसा रिस्की चीजों में लगाएं, रिस्की का मतलब आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में रहे। अगर आप 40-60 हैं, आप 50-50 करें, इससे ज्यादा ना करें। अगर यहां पे हैं तो 30% से ज्यादा रिस्क ना लें, इससे भी कम ही रखें, 20% से ज्यादा आप ना जाएं, क्योंकि आप जिस एज ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में है ना, वहां पे रिस्क लेना सही नहीं। तो अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा, अब मैं कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाएं, एसआईपी, साथ के साथ कुछ पैसा हो सकता है कि आपकी कंटिजेंसी की जरूरत है तो लिक्विड फंड में भी लगा। लिक्विड फंड क्या होता है, टाइप ऑफ एफडी होता है, लेकिन उसका बेनिफिट यह होता है कि वह पैसा जब चाहे तब आपको वापस आ सकता है। इसके अलावा जब मैं 60% की बात कर रहा हूं, ये लोग स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा लगाए नहीं, क्योंकि आपको एक्सपर्टाइज नहीं, आप बहुत थोड़ा पैसा और अपनी समझदारी के हिसाब से ही लगाएं। समझदारी का मतलब है कि जब भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं, कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट के साथ जरूर रहें और मेजर पैसा ना लगाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, कभी शॉर्ट टर्म और इंट्राडे में आप ना घुसें अगर आपके पास उस तरह का एक्सपर्टाइज नहीं है।
आप एनसीडी में भी जाएं। एनसीडी क्या है, प्राइवेट में आप कह सकते हैं कि जो कंपनीज हैं वो पैसा बोरो करती, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ पैसा एनसीडी में लगाएं, मैं उनके लिए भी कहूँगा जो 40 से 60 के बीच में, उनके लिए एनसीडी बहुत अच्छा है, एफडी से बढ़िया है, क्योंकि ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है। इसके लिए अलग से हमने एफडी वर्सेस एनसीडी का एक वीडियो भी अपलोड किया, आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। कुछ पैसा ETF में भी लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड लगा सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत कॉर्पस हो तो रियल एस्टेट में भी थोड़ा मोड़ा पैसा लगाएं अपनी पेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो ऑलरेडी 150,000 में पेमेंट आ जाएगा, जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हैं कैपिटल का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि कैसे ऑप्टिमाइज करें। आपका फोकस ROI को ऑप्टिमाइज और रिस्क को मिनिमाइज करने का होना चाहिए। हमने यहाँ पे कहा कि रिस्क के लिए तो जरूर आप कहीं ना कहीं रिस्क सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, एक एज जो होता है ना फैक्टर होता है, जब आप रिस्क लेने और काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो जब आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है अप टू 5 लाख के लिए जो हमने स्ट्रैटेजी बताई, अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज करते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि 14-15% का रिटर्न 15 साल में 15 ईयर्स में आप अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा क्योंकि पैसा आपका है, और आप अगर अपने पैसे के लिए नहीं सोचते तो कोई पड़ोसी या कोई दूसरा नहीं सोचने वाला है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने पैसे के लिए पेन लें, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाएं और अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी हो या कुछ समझना चाहते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में आके कॉमेंट भी कर सकते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का एडवाइस भी चाहिए तो वो एडवाइस भी हम आपको दे सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 5 लाख एंड एवव के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 5 लाख एंड एवव के लिए स्ट्रैटेजी की पूरी बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बेल बटन और सब्सक्रिप्शन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम Fire TV प्ले स्टोर और वेबसाइट चारों तरफ हैं, आप हमें कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।